प्लॉट है मेरे पास B44 और ये B28 लग गया और 27 लग गया, उससे मतलब नहीं, वो सोल्ड आउट ये अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया एक। ओके, B44 अब ये 3500 में बना हुआ है, 3500 का प्लॉट मिल जाएगा। ये B48 यहाँ भी मिल रहा है, बट वो ये है मेरा ई सेक्टर, गार्डन नहीं यहाँ पे एक्सटेंस है। हाँ, गार्डन को कंटिन्यू वही है। ई सेक्टर पे जो है इसमें गार्डन की तरह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, झाड़ियाँ और गार्डन में। अच्छा, वो पीछे क्या गार्डन है वो? हाँ, ये तो ये बीच में है इन्वेंट्री। नहीं, सब छोड़ ये। अच्छा, ये भी बी सीरीज है, ये हम ई में बैठे हैं, ई में 2100 की सीरीज है। गॉट इट। इसमें तीन कंट्री में ये प्लॉट है। ई सीरीज में नंबरिंग क्या इनकी? ये जरा आपका 10 नंबर, 11, 11 है ये। अगर 10 11 को जोड़ो तो फ्रंट कितना होता है? कॉर्नर बड़ा है, कॉर्नर में आप ये देखेंगे कि 40 फ्रंट इसमें 40 मिलेगा और फिर वो 30 70 है, मतलब 40 में 30 70 हो गया। 70 का फ्रंट, 70 बाय 70 बैठ सकता है, दो प्लॉट को मार के। ये अच्छा है, अप्रोक्स बता रहा हूं। और इसकी अवेलेबिलिटी है 2100 वाले कॉर्नर की दो, एक एक 2247 मिलेगा और एक 2100 मिलेगा। हाँ, मतलब वो अपने पास है क्या कॉर्नर के दोनों आखिरी? हाँ, ये दो। ये वाला बेस्ट सोल्ड आउट है इस फेसिंग में, सामने का पूरा ब्लॉक सोल्ड आउट है, इसमें केवल एक प्लॉट है, फिर उनका एक कम। हाँ, तो ई का आप कॉर्नर वाला नहीं, ये कैसा भी बना हुआ, ये 3070 है, 2100। हाँ, 2100 ये सारे। पानी होना चाहिए राजा, तो पानी सर अपने अपने बोरिंग करवा रहे हैं, किसी को 125 मिला पानी, किसी को 150 बहुत। ये क्या अपने खेती कर रहे हैं ना, देखो ये खेती नहीं इतनी मिल जाए, एक परिवार की भी बहुत है। अभी तो नर्मदा का कनेक्शन भी दिए उसको बंद कर पाऊंगा।